आज आप देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी का, हाईवे का एक बेहतरीन जाल बिछ चुका है। हमारे पास पहले से यमुना एक्सप्रेसवे थी, जिस समय 17 में हम लोग आए थे तब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अपने बनने के अंतिम चरण की ओर थी। पिछले 7 वर्ष के अंदर हम लोगों ने कई एक्सप्रेसवे बनाए, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने भी और केंद्र सरकार ने भी सहयोग किया, जिसमें दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे भारत सरकार के सहयोग से प्राप्त बना है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये अपने यातायात के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जोड़ रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे या दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे के माध्यम से प्रदेश की राजधानी और देश की राजधानी को जोड़ने का, बुंदेलखंड को जोड़ने का एक माध्यम बना है, जो वहां की अर्थव्यवस्था के एक बैकबोन बनकर के आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के अंदर गंगा एक्सप्रेसवे, जिसके वीजीएफ के लिए इस सप्लीमेंट्री बजट में हम लोगों ने धनराशि की मांग भी की है, हमारा प्रयास है कि प्रयागराज कुंभ 2025 में हम गंगा एक्सप्रेसवे को, उससे पहले मेन कैरिजवे को बनाकर के तैयार करें, और दिसंबर 2024 का हम लोगों ने टारगेट दिया है कि मेन कैरिजवे को आप इसको बनाकर के तैयार करिए, जिससे प्रयागराज कुंभ के दौरान इसका उपयोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए और प्रयागराज को जोड़ने के लिए एक बेहतरीन माध्यम मिल सके, इस पर हमारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इसके अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के साथ ही हम लोग चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर से फरुखाबाद होते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक नई एक्सप्रेसवे पर कार्य हमारा बहुत शीघ्र प्रारंभ हो रहा है, सर्वे के कार्य पूरे हो चुके हैं, इस कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की कार्रवाई को भी सरकार आगे बढ़ाने जा रही है, जिससे जो एक्सप्रेसवे के पीछे की सरकार की मंशा है उस एक्सप्रेसवे को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सके। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को, जितने भी हमारी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी है, या नेपाल से जुड़े हुए मार्ग हों, बिहार से हों, झारखंड छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हों, मध्य प्रदेश या राजस्थान से जुड़े हुए हों, या फिर हरियाणा या उत्तराखंड या दिल्ली से जुड़े हुए, सभी 4 लेन की कनेक्टिविटी हो, और यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार का एक तोरण द्वार स्वागत कर आगंतुकों का स्वागत करता हुआ दिखाई दे। अगर नेपाल की सीमा पर है तो राज्य नहीं, देश भारत नेपाल मैत्री द्वार उनका स्वागत करें, इसकी तैयारी, इस पर कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। अगर बिहार या अन्य राज्यों के साथ में है तो उत्तर प्रदेश और राज्य की मैत्री द्वार के रूप में उसकी पहचान होगी, इस कार्य को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। 4 लेन की, हर जिला मुख्यालय 4 लेन से जुड़े, तहसील मुख्यालय 4 लेन के साथ जुड़े, ब्लॉक मुख्यालयों को 2 लेन के साथ हम जोड़ सके, इस पर कार्य तेजी के साथ या तो पूरे हो चुके हैं या हो रहे हैं। हाईवे, वर्ल्ड क्लास हाईवे का निर्माण यहां पे बन रहा है, लखनऊ से कानपुर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भारत सरकार के सहयोग से बन रहा है।